गाइज, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप विंडोज 10 से विंडोज 11 का जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसमें आप अपग्रेड किस तरह से और कैसे कर सकते हो, और वो भी विदाउट एनी डेटा लॉस। किसी भी तरह का आपका डेटा वगैरह लॉस नहीं होगा। गाइज, सबसे पहले तो आपको अपने फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम को ही ओपन कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे गूगल में टाइप करना है विंडोज 11 ISO। आपको यहाँ पे इस तरह से टाइप करना है, देन आपको अब यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और आपको यहाँ पे ये पहले वाला ही, आपको यहाँ पे ऑप्शंस में आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपको यहाँ से ISO फाइल को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेलेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे विंडोज 11 मल्टी एडिशन ISO को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे डाउनलोड लॉक पर क्लिक करके आपको इसे डाउनलोड करना है सबसे पहले। और यहाँ पर लैंग्वेज का आपको यहाँ पर ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश US कन्फर्म। देन 64 बिट को मुझे डाउनलोड करना है, तो मैं 64 बिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा ISO फाइल यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है या कुछ मिनट, जितना भी टाइम लगेगा। तो आपको यहाँ पे वेट करके आपको इसे सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद अब आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस जे बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है क्रोम में। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे शो इन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये ISO फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक कर कर आपको यहाँ पे माउंट का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे माउंट करना है। देन ओपे। ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे जितने भी विंडोज के रिलेटेड जितनी भी फाइल्स है वो आपको यहाँ पे टोटली शो हो जाएंगे। अब जैसे आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे इन सारे फाइल्स को ऑल सेलेक्ट कर कर आपको यहाँ से इन सभी को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद अब आपको अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया हूँ, क्रिएट करने के बाद जैसे मैं इसका नेम भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, फोल्डर का विन 11 में यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ इसका नेम। और इस फोल्डर में मैं उन सारे फाइल्स को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जितनी भी फाइल्स है विंडोज 11 के रिलेटेड वो सभी यहाँ पे कॉपी हो रहे हैं। तो कॉपी होने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सारे फाइल्स कॉपी हो चुके हैं। कॉपी हो जाने के बाद फिर आपको पहले वाले फाइल को आपको यहाँ से कट कर लेना है और यहाँ पे दिस पीसी को ओपन करना है। दिस पीसी को ओपन करने के बाद और आपको यहाँ पे डीवीडी ड्राइव का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, जैसे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इसे इजेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इसे इजेक्ट कर देता हूँ। इजेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। और यहाँ पे जैसे मैं अब यहाँ पे डायरेक्टली इस सेटअप को ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अभी फिलहाल कोई भी ट्रिक वगैरह यहाँ पे अप्लाई नहीं किया हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली ओपन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरा विंडोज 11 जो है वो इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बाय द वे नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको नेक्स्ट आपको ट्रिक बताऊंगा कि करना क्या है उसके बाद। जैसे मैं आपको अभी फिलहाल ओपन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इंस्टॉल होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा इस तरह का इंटरफेस शो हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे अब कुछ सेकंड में यहाँ पे वेट करता हूँ। सिस्टम रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो TPM, यहाँ पे TPM 2.0 चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे किसी भी तरह का नेक्स्ट ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, बैक करो क्लोज का ऑप्शन शो हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली इसे क्लोज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं कर रहा है मेरा विंडोज 11 मेरे सिस्टम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जैसे मैं इसे क्लोज करता हूँ, क्लोज करने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे सोर्सेस वाले फोल्डर में आपको यहाँ पे चले जाना है। सोर्सेस वाले फोल्डर में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे apprazers.dll फाइल को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे apprazers.dll फाइल ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। apprazer नहीं, apprazer apprazers.dll ये फाइल होना चाहिए, apprazer.dll। तो आपको इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पे शो एप्स में क्लिक कर कर मैं इसे नोटपैड की हेल्प से मैं यहाँ पे इसे ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको कुछ कोड्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इनक्रिप्टेड कोड्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इन सभी को डिलीट कर देना है। जैसे मैं इन सभी के राइट क्लिक कर मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर देने के बाद फिर आपको यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इसे सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद फिर आपको इसे कट कर देना है और आपको यहाँ पे बैक करना है। और आपको अब यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे सेटअप को ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज 11 के सेटअप को ओपन करता हूँ,
सेटअप ओपन हो जाने के बाद फिर आप यहाँ पे चेंज हाउ टू सेटअप डाउनलोड्स अपडेट्स पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे नॉट राइट नाउ आप यहाँ पे कर लोगे और उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे और यहाँ पे फिर से यहाँ पे चेकिंग हो रहा है आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट वगैरह यहाँ पे चेकिंग होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डायरेक्टली आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे मेरा ये विंडोज 11 होम है और की पर्सनल फाइल्स एंड ऐप्स आपका जैसा भी है आपका पर्सनल फाइल्स और ऐप्स जहाँ पे भी है जो भी जैसा है वो आपका एज इट इज़ वैसा ही रहेगा और आपका जो सिर्फ ओनली विंडोज 11 है वही ओनली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा हो सकता है। तो मैं आपको इंस्टॉल होने के बाद फिर उसके बाद दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह का इंटरफेस विंडोज 11 का यहाँ पे शो होता है। तो मैं यहाँ पे अपने सिस्टम को कम्प्लीटली इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो गाइज जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो विंडोज 11 है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। मेरा जो विंडोज 10 था वो अब यहाँ पे विंडोज 11 में अपग्रेड हो गया है और यहाँ पे मेरा जो भी डेटा था जो भी पर्सनल फाइल्स और विंडोज में मेरे द्वारा किए हुए जितने भी सेटिंग्स वगैरह थे वो एज इट इज आपको यहाँ पे सेम टू सेम आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे और मेरा जो भी डेटा है वो एज इट इज वैसा ही का वैसा ही आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जो जैसा जहाँ पे था वो एज इट इज वैसा ही है और यहाँ पे मेरा जो विंडोज 10 था वो यहाँ पे ओनली यहाँ पे अपग्रेड हो गया है विंडोज 11 में। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे दो तीन फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।